केवल भाषण न देते भाई। अरे भाषण के अलावा और कुछ किए हैं? हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, इसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से समय समय पर बिहार की राजनीति करवट ले रही है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि आगामी दिनों में कुछ बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मच सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम उसने शुरू कर दिया है। लौकुश यात्रा निकाली गई है राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है, यानी कि वहाँ के लोगों को ले जाने के लिए एक अलग तरीके से व्यवस्था किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाया गया है राम मंदिर के उद्घाटन में। क्या नीतीश कुमार जाएंगे? अगर जाते हैं तो कई तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाएंगी। वहीं अगर बातचीत करें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, तो कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के परिवार में, यानी कि अगर राजद की बातचीत की जाए, तो वहां किसी को भी जाने के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। इस वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बार बार खुले मंच से राम के बारे में एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। राम और नीतीश कुमार के जाने पर भी उन्होंने कई बातें रखी, हालांकि नाम तो नहीं लिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने जमकर घेरा है। राम पर पहली बार तेजस्वी यादव के बयान ने बिहार के राजनीति को गर्मा दिया है। तेजस्वी यादव ने राम को लेकर जो बयान दिया है वो हम आपको एक बार सुना देते हैं। केवल भाषण न देते भाई, अरे भाषण के अलावा और कुछ किए हैं? हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितने लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते भाई? तो सुखी संपन्न खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं, मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई, बात समझ लेना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है, मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर जब भारी मार्केटिंग किया जाता है, बताओ ये मीडिया के लोग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।